लोहार झारखंड, झारखंड में तोहरे के स्वागत है। झारखंड में तो ये पहाड़ पर्वत है और नदी नाला है, जंगल झाड़ी और पहाड़ पर्वत नदी नाला है, जल जंगल और जमीन यही हमारा पहचान है। इसी के नाम से झारखंड का नामकरण हुआ है। हम लोग खेती बाड़ी से ही अपना रोजगार करते हैं, फिर वहीं से हम लोग का इनकम है अपना घर खर्च के लिए। हमारा बाप दादा तो खेती करते आ रहे हैं, हम भी अभी खेती कर रहे हैं। यहाँ अधिक तो खेती करते हैं क्योंकि ये तो पेट का बात है ना, वो आखिर क्या करेंगे, पेट तो पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हमको सबसे अच्छा खेती करने आता है तो खेती ना करेंगे, उससे अच्छा क्या कर सकते हैं। खेत है तो हम भी हैं, खेत नहीं है तो हम भी नहीं है। शर्म नहीं लगता है, गर्व लगता है। जंगल की हरियाली, जमीनों में खनिज की भारी मात्रा और लोगों की जिंदादिली को अपने में समेटे झारखंड की बस अपनी यही तो पहचान है। हंसता और मुस्कुराता ये चेहरा कुछ नया कर गुजरने की उम्मीद लिए रोज जीतोड़ मेहनत करता है। जी हाँ, आज भी झारखंड की आबादी का लगभग 65% पूरी तरह से खेती पर निर्भर है और खेती ही इनकी आजीविका का मुख्य साधन भी है। झारखंड में अगर हम खेती की बात करें तो सब्जियां अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अब भला बिना सब्जी के खाने का मजा भी कहाँ आता है, और अगर बात सब्जियों की हो तो भला किसकी मजाल है जो आलू का जिक्र न करे। जी हाँ, आज हम आलू, जिसे आप सब्जियों का राजा भी कहते हैं, उसके बारे में बातें करेंगे। आलू की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। भारत में शायद ही ऐसा कोई रसोई होगा जिसमें आलू न दिखे, और फिर इसके चिप्स, पकौड़े, चाट और मसालेदार सब्जियों के दीवाने तो आप भी होंगे। झारखंड में लगभग 30,000 एकड़ में आलू की खेती की जाती है और प्रति एकड़ इसकी उत्पादकता लगभग 37 क्विंटल है। आलू हम लोग पहले से ही कर रहे हैं और मेरा आजा दादा लोग वो सब भी कर रहे थे। थोड़ा मोड़ा खेती पहले ज़्यादा नहीं लगाते थे, केवल खाने के लिए ही कर रहे थे, तो आज हम थोड़ा सा ज़्यादा भी लगा लेते हैं ताकि खाने से बच जाता है, उसको बेच देते हैं। आलू का खेती हम लोग भी करते हैं, उसमें फ़ायदा नहीं होता है, पाला मार देता है तो उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। हम आलू की खेती नुकसान और फायदा के लिए नहीं करते हैं, हमको आलू का खेती पसंद है इसलिए हम आलू का खेती करते हैं, और नुकसान कहाँ नहीं होता है। जब हम आलू का खेती अच्छा ढंग से करेंगे तो आलू का खेती में बहुत फायदा है। ये बात सच है कि झारखंड में आलू की उत्पादकता देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा काफ़ी कम है, लेकिन आलू उगाने की सही विधि का पालन करके राज्य में आलू की उत्पादकता को बहुत बढ़ाया जा सकता है। एक बात और मैं ये कहना चाहूँगा कि आलू सिर्फ खाने के स्वाद को ही नहीं बढ़ाता है, इसमें उपलब्ध प्रोटीन, स्टार्च, अमीनो अम्ल और विटामिन सी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। आज हमको चिप खाना है। सुनो, खाने में आलू का पकौड़ा जरूर बनाना। आज रात में दाल भात आलू को चोखा खाएंगे। पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे। अब ये बात तो तय है कि आलू हम सबके दिलों पर राज करता है, तो क्यों ना हम सब मिलकर इसकी विधि पूर्वक खेती करें, जिससे कि ये न केवल हमारी खाने की जरूरतों को पूरा कर सके बल्कि हमारे कमाई का एक जरिया भी बन सके। भाई, मैं तो तैयार हूँ इसकी एक एक प्रक्रिया को आपको बताने को। अब अगर आप भी तैयार हो तो हम आज से ही आलू की विधिपूर्वक खेती की प्रक्रिया के हर एक चरण की कुछ मुख्य बातों को आपसे साझा करते चले। आलू की खेती के बारे में हम लोग को कोई हमको बताएगा, अच्छा से फसल हो तो हम भी लगाएंगे आलू। बताया जाएगा कि इस खेती को इस तरीका से करना है, ऐसे लगाएंगे तो हम लोग का खेती अच्छा से होगा, इससे ज़्यादा उपज होगा तो हम लोग करें।
देखिए, आलू की अच्छी फसल पाने के लिए ये जरूरी है कि आप लोग आलू की खेती को वैज्ञानिक ढंग से और विधि पूर्वक करें। आप लोग पारंपरिक खेती आलू की जिस तरह से करते हैं उसमें बस थोड़ा बहुत ही बदलाव लाने की ज़रूरत है, और उसके बदलाव की वजह से आलू का उत्पादन काफ़ी बढ़ सकता है। झारखंड में आलू को सबसे ज़्यादा नुकसान झुलसा रोग से होता है, इसलिए आपको बीज के अलावा मिट्टी को भी सही तरीके से फफूंदी नाशक एवं अन्य फायदेमंद जीवाणुओं के द्वारा उपचारित करके इसकी खेती करनी चाहिए। झारखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आलू की खेती के लिए हाइड्रोजल, पोटाश एवं जिंक का प्रयोग भी बहुत जरूरी है। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इन सब का सही मात्रा में और सही समय पर प्रयोग करके न केवल आप अपनी फसल को रोगों से बचा सकते हैं बल्कि उसकी उत्पादकता में भी कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए आलू की विधिपूर्वक खेती के लिए। इसकी विधिपूर्वक खेती में आपको कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जैसे बीज का चुनाव एवं उपचार, खेत की तैयारी एवं आलू की रोपाई, सिंचाई प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन, आलू की कोड़ाई से पूर्व की प्रक्रिया, आलू की कोड़ाई और आलू के कोड़ाई के बाद की प्रक्रिया। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि बीज का चुनाव एवं उपचार कैसे किया जाता है। तब तक आप सभी लोग इसकी खेती के लिए और अच्छी फसल पाने के लिए तैयार हो जाइए।